आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि किसी को काला मोतियाबिंद की जो समस्याएं होती हैं ये क्यों होती हैं। काला मोतियाबिंद एक बहुत ही घातक किस्म की बीमारी है और इसके बारे में पहले इसकी एक खासियत है, इसको हम अपने मेडिकल साइंस में इसको एक साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। इसकी जो सबसे विशेषता है वो ये है कि शुरुआती दिनों में इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते, इट इज़ अ सिम्टमलेस साइलेंट किलर, और यही इस बीमारी को बहुत घातक बनाता है। जब तक मरीज़ को इसके लक्षण समझ में आने शुरू होते हैं तब तक आँखों की नस बहुत हद तक डैमेज हो चुकी होती है और उसके बाद वहाँ से पेशेंट के नस की रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब काला मोतिया, या इसको मेडिकल साइंस इंग्लिश में इसको हम ग्लॉकोमा के नाम से बोलते हैं, इसकी वजह क्या है? आँखों के अंदर जो है आँखों का एक अपना प्रेशर होता है जिसको इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कहा जाता है। ये एक फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है। अगर आँखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है 20 मिलीमीटर के ऊपर, एक बेसलाइन एक वैल्यू है, अगर इसके ऊपर रहता है आँखों का प्रेशर तो वो आँखों की नस को धीरे 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 डैमेज कर देता है। अब इसके अलावा भी बहुत से कारण हो सकते हैं जिसमें कि हाई मायोपिया जिनको है या हाई हाइपरमेट्रोपिया जिनको है, ये दोनों भी रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी आँखों में काला मोतिया आगे चलकर हो सकता है। बढ़ती हुई उम्र अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है जिसमें कि ग्लॉकोमा होने की संभावना बढ़ जाती है। इन सब के अलावा जेनेटिक, काला मोतिया या ग्लॉकोमा आँखों की एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक होती है। अगर वंश में किसी को भी है तो उनके जितने भी ब्लड रिलेटिव्स हैं सब के ऊपर काला मोतिया होने का रिस्क रहता है। तो अगर जैसे कि आपने बताया कि इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं और जब तक लक्षण किसी को पता चलते भी हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, तो इसका किस तरीके से एक आदमी समझ सकता है जिसको ये समस्याएँ हो रही हैं, काला मोतियाबिंद हुआ है, तो आखिर कैसे वो समझे कि उसे काला मोतियाबिंद हो रहा है? जी, अभी जैसे मैंने कुछ रिस्क फैक्टर्स का जिक्र किया, जिनको भी हाई मायोपिया है जो बहुत ज़्यादा माइनस का चश्मा लगाते हैं, हाई हाइपरमेट्रोपिया है मतलब प्लस का नंबर जिनका ज़्यादा है, इसके अलावा जिनकी उम्र बढ़ रही है 40 के ऊपर, इसके अलावा जो लोग भी डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, इसके अलावा जिनके भी खानदान में जिनकी भी फैमिली में अंधेपन की हिस्ट्री है या ग्लॉकोमा की हिस्ट्री रही है, इन सब लोगों को हमेशा अपने एक आई स्पेशलिस्ट से साल में एक बार अपने आँखों की जांच कराते रहना उनके लिए कंपलसरी है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो मैं अभी इसमें डिस्कस करना चाहूँगी, दो चीज़ें। एक तो आँख में अगर किसी भी किस्म के चोट लगने की हिस्ट्री रही है, बच्चे हैं, क्रिकेट खेलते हैं, है ना, या फुटबॉल खेलते हैं, या किसी भी आपसी लड़ाई झगड़े में किसी को आँख में चोट लग गई या किसी एक्सीडेंट में आँखों में चोट लग गई, तो इस तरह के लोग या अपने स्किन की बीमारी के लिए या एस्थमा के लिए कोई भी अगर स्टेरॉइड्स का बहुत लंबे समय तक सेवन करता रहा है, ऐसे सारे लोग एट रिस्क हैं फॉर ग्लॉकोमा या काला मोतिया, इनमें होने का खतरा होता है। ऐसे सारे लोगों को लक्षण का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उन्हें समय समय पर हर 6 महीने पर एक बार अपने आँख के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बोला इसमें फील्ड में कमी आती है, जो सेंट्रल विजन है वो पेशेंट का अंत समय तक मेंटेन रहता है, और अगर हम अपने लक्षण आने का इंतज़ार करेंगे तब तक लेट हो जाती है।